ओके सो गुड आफ्टर गुड गुड मॉर्निंग ऑल. ओके आई वी हैव अगेन मीटिंग ऑन अ जूम मीटिंग जूम प्लेटफॉर्म राइट. ठीक है तो वहां पर शेयर करने के लिए दिक्कत हो रही थी, हम अब यहाँ पर देखते हैं कुछ शेयर करने के लिए कुछ प्रॉब्लम है या नहीं. ओके सो आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन नाउ एंटायर स्क्रीन. अब विजिबल है? यस आइकॉन दिखाई दे रहे हैं ना अभी टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 7. ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है चिन्मय दिखता है ना? चिन्मय आइकॉन विजिबल है ना? यस सर. ओके ठीक ठीक है. आपण काय प्रयत्न करतोय की आपल्याला तुम्ही एक्सपेरिमेंट सगळ्यांनी लिहिले असतील कदाचित, हर्षद का नेटवर्कचा इश्यू असेल म्हणून व्हॉइस क्लिअर येत नाही, अदरवाईज व्हॉइसचा इश्यू येत नाही तसा. बाकी सगळ्यांना व्हॉइस येतोय का व्यवस्थित? आवाज व्यवस्थित येतो का माझा? यस सर. ओके ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. तो आपण असा प्रयत्न करतो त्याच्या आधी एक्सपेरिमेंट, पण टर्बो सी वर एकदा प्रॅक्टिस करून बघितलेले नाहीये कारण बऱ्याच लोकांकडे कॉम्प्युटर सिस्टीम नाही किंवा लॅपटॉप नाही. तेव्हा आता आपण काय करणार आहोत, जे सगळ्यात कठीण एक्सपेरिमेंट आहेत शेवटचे 2, 11 आणि 12, त्यांना आपण प्रॅक्टिस त्याची प्रॅक्टिस करून बघू. म्हणजे बाकीचे एक्सपेरिमेंट खूप इझी आहेत. ओके यू कॅन डू इट. ओके सो यू कॅन डू अ हँड्स ऑन प्रॅक्टिस ऑन इट. ठीक आहे तर मी आता स्क्रीन शेअर करतोय बघा, टर्बो सी सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 7, आणि तुम्ही याच्याशी फॅमिलियर आहात कारण ओपीचे प्रॅक्टिकल तुम्ही टर्बो सी प्लस प्लस वरच बघताय सध्या. त्यांच्याकडे मशीन नसेल ते लोक व्हिडिओ बघतायत, मॅडमनी शेअर केले आहेत बरेच व्हिडिओ आणि बरंच काम केलंय मॅडम त्यासाठी, प्रत्येकाचे रेकॉर्डिंग वगैरे शेअर केले आहेत. एक्सपेक्टेशन आहे तुमच्याकडून तुम्ही तरी बघावेत. ओके ऍटलीस्ट यू हॅव टू सी इट ऑर वॉच इट. ठीक आहे कारण बऱ्याच लोकांकडे लॅपटॉप नसेल पण तुम्ही बघू तर नक्की शकता ते एक्सपेरिमेंट. तर तुम्ही ऍटलीस्ट बघावेत, आउटपुट कसं जनरेट करायचं ते समजून घ्यावं. ज्या वेळेला तुमच्याकडे कॉम्प्युटर सिस्टीम असेल किंवा तुम्ही कॉलेजला याल तेव्हा तुम्हाला जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करू शकता. ठीक आहे तेव्हा रेकॉर्डिंग आहे म्हणून निग्लेक्ट नाही करायचंय, तुम्ही ते बघायचंय. एवढी मेहनत घेतली फॅकल्टी तर त्याचा काहीतरी उपयोग होऊन देत. ठीक आहे आपण सॉफ्टवेअर सिस्टीम मध्ये असल्यामुळे ऍटलीस्ट आपल्याला एवढं तरी करता येते. मेकॅनिकल इंजिनियर असेल किंवा अजून कुठला कोर्स असेल सिव्हिल इंजिनियर सारखा, मग त्या केसमध्ये प्रॅक्टिकल घेणं शक्य पण नाही. आता लेथ मशीनचं प्रॅक्टिकल असेल त्याचं फक्त रेकॉर्डिंग देता येतो, घरामध्ये लेथ मशीन घेऊन येता येत नाही अँड सो ऑन. सो ऍटलीस्ट सॉफ्टवेअर मध्ये एवढं तरी आपल्याला करता येतं, त्याचा आपण फायदा करून घेऊ. आणि जे रेकॉर्डिंग मध्ये जे तुम्हाला दाखवलं आहे हँड्स ऑन, तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन बघण्याचा प्रयत्न करा. ओओपी मध्ये जेव्हा तुम्ही करता, ओके ओओपी मध्ये जेव्हा आप करते हो तो क्या करते हो, प्रोग्राम को डॉट सीपीपी से स्टोर करते हो क्योंकि आप ओओपी के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो. लेकिन जब आप डीएसयू में ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप डॉट सी से स्टोर करते हो क्योंकि डीएसयू के लिए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेकिन सी के प्रोग्राम एज वेल एज सी प्लस प्लस के प्रोग्राम, उसे सीपीपी भी बोला जाता है, तो ये दोनों प्रोग्राम हम कहाँ पर कर सकते हैं, हम टर्बो सी में कर सकते हैं. जो प्लेटफॉर्म इज सेम लेकिन फाइल किस तरह से स्टोर करोगे उसमें कुछ डिफरेंसेस है. तो सी में हम डॉट सी से स्टोर करते हैं, ये आपने सेमिस्टर 2 में भी देखा है. तो आपके लिए सी नया नहीं है, आपके लिए सी प्लस प्लस नया है. तो वहां पर आप डॉट सीपीपी सीपीपी से स्टोर करोगे. ओके इज इट क्लियर, एनी डाउट इज देयर? यस नो ना? ओके तो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको टर्बो सी की, आप तो फैमिलियर हो इस स्क्रीन से, कोई इश्यू नहीं? yes? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको टर्बो सी प्लस? हेलो हेलो यस यस और नो? यस ओके ओके ठीक है. तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम ओके जो सर्कुलर सिंगली लिंग्विस्ट के ऊपर है. तो हम देखेंगे इसमें किस तरह से हमने काम किया है, वन बाय वन देखेंगे. तो इनिशियली वी आर हैविंग द हेडर फाइल्स stdio.h है, बाद में conio.h है. ओके ये दो हमारे हेडर फाइल्स है. चिन्मय थोड़ा बीच में रिस्पॉन्ड भी करो कुछ स्क्रीन का इशू होगा तो. चिन्मय दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हेलो
हॅलो. यस सर. हा ओके. कारण मी काय सांगतोय, मला झूमचे कंट्रोल हँडल करता येत नाही ज्या वेळेला मी टर्बो मध्ये जातो त्या वेळेला. ओके, हा प्रॉब्लेम आहे टर्बोचा. ओके, जावामध्ये ते खूप सोपं असतं. सो मला सांगा जर काही प्रॉब्लेम असेल मध्ये. ठीक आहे. सो देन वी हॅव डन अ फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, आता बघा ते व्यवस्थित बघा, आपको देखना है अच्छी तरह से इसमें. तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, कौन कौन सा फंक्शन है? एक है इंसर्ट बिगिनिंग, बाद में इंसर्ट एंड, और तीसरा है डिस्प्ले. तो डिस्प्ले में हम क्या करेंगे, सर्कुलर सिंगल इंग्लिश में जो भी नोड है उन्हें क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. इंसर्ट बिग में क्या करेंगे, हम बिगिनिंग में सर्कुलर इंग्लिश के अंदर नोड को बिग इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट एंड के अंदर हम एंडिंग में हम सर्कुलर इंग्लिश में क्या करेंगे कि नोड को इंसर्ट करेंगे. मैं एक काम करता हूँ, वो दिया पराडकर जो है उन्हें ज्वाइन करके लेता हूँ, क्योंकि जूम से सॉरी टर्बो से मैं जूम की कंट्रोल नहीं यूज कर पाऊंगा. ठीक है, तो जिन्हें ज्वाइन करना है थोड़ा जल्दी कीजिएगा, बाद में मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा किसी को भी. इट इज नॉट पॉसिबल, बार बार बाहर जाना पड़ता है उसमें. ठीक है, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे. तो ये तीन फंक्शन तीन चीजों के लिए लिखे हैं, इसमें और भी फंक्शन ऐड हो सकते हैं. यदि आपको पर्टिकुलर नोड को सर्च करना है तो सर्च के लिए एक फंक्शन आएगा. यदि आपको पर्टिकुलर नोड को स्टार्टिंग में इंसर्ट नहीं करना है या एंडिंग में इंसर्ट नहीं करना है, मिडल में इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट मिडल नाम का भी फंक्शन आएगा. ठीक है, लेकिन आपसे ये सारे फंक्शनलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है. एटलीस्ट आपको इंसर्शन एंड डिस्प्ले तो आना चाहिए. ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन बाकी फंक्शन भी आप कर सकते हो. ओके, अब इसमें कैसे है कि आपको एक बार प्रोटोटाइप उसका समझ में आया, प्रारूप बोलते हैं उसे हिंदी में. प्रारूप मतलब उसका एक एक ढांचा होता है. तो एक बार आपको ढांचा समझ में आया किस तरह से काम करना है, तो बाद में आप अलग अलग फंक्शन बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो. तो आपको लग रहा है यदि आपको मिडल में कोई एलिमेंट को और डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन बना पाओगे इजीली, उसे उसका कोड भी कर पाओगे. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपको उसका प्रारूप आना चाहिए. आपको लगता है कोई भी एक नोड को सर्च करना है तो सर्च भी कर पाओगे. ओके, दैट इज वेरी इजी, लेकिन आपको प्रारूप पता होना चाहिए. ठीक है, तो आप में जो भी चीजें लगेगी उसके बाद उसकी तरह से उसे आप मॉडिफाई कर पाओगे. आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ. आपको पता है कि आपको पाव भाजी कैसे बनानी है. ओके, तो आप इजीली उसे बटर पाव भाजी बना सकते हो, उसमें चीज पाव भाजी बना सकते हो, उसमें और भी चीजें एडअप कर सकते हो. तो आप यदि कोई होटल में जाओगे तो 10-12 टाइप की पाव भाजी देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है उसके अंदर. ओके, तो आपके हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो प्रारूप है उसका वो पता होना चाहिए, किस तरह से बनाना है ये तो पता होना चाहिए. बाद में उसमें आप थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन इजिली कर पाओगे. ओके, तो हमारा फोकस यही है कि आपको प्रारूप तो आना चाहिए उसका. ठीक है, और मैनुअल में भी या करिकुलम में यही बताया है कि आपको सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए. ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन मॉडिफाई लेटर ऑन. ओके, सो दैट इज एक्सपेक्टेशन, बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड. ठीक है, तो ये इंसर्ट कैसे करना है बिगिनिंग में और एंड में, और डिस्प्ले कैसे करना है ये हमने देखा है. आपको चाहिए तो हम बाद में और भी चीजों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही ज्वाइन हो जाओ, बाद में डिफिकल्ट होता है इनकॉर्पोरेट करके लेना, बार बार कंट्रोल एंड करना पड़ता है मुझे. हेलो तो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, नोड की डेफिनेशन दे रहे हैं. तो कोई भी नोड जो होता है लिंक लिस्ट के अंदर, तो नोड कैसे बनता है, डेटा एंड लिंक से बनता है. तो डेटा रहता है उसके अंदर और एड्रेस रहता है. ठीक है, तो डेटा के लिए हमने क्या लिया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, INT डेटा बना है. ओके, आप चाहते हो कि वो नोड के अंदर जो डेटा आएगा वो कैरेक्टर टाइप का हो, तो आप कैर डेटा टाइप ले सकते हो. आपको लगता है कि फ्लोट डेटा टाइप का हो तो फ्लोट डेटा ले सकते हो. तो एज पर यूर नीड यू कैन चेंज द डेटा टाइप. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी एक नोड दो चीजों से बनता है. फर्स्ट पार्ट में रहता है उसका डेटा, सेकंड पार्ट में रहता है उसका एड्रेस, एड्रेस टू अ नेक्स्ट नोड, अगले नोड के लिए उसका एड्रेस रहेगा.
सिंगलील इंक्लिस्ट ही है ना, सर्कुलर है लेकिन ये सिंगलील इंक्लिस्ट है, तो एड्रेस टू नेक्स्ट नोड रहेगा इसके अंदर। तो एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर का नाम क्या दिया है हमने, नेक्स्ट दिया है, वो सिंबल भी दिया है हमने पॉइंटर का, तो इसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये पॉइंटर किस टाइप का होगा, तो पॉइंटर किस टाइप का होगा, पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यदि पॉइंटर इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तो पॉइंटर इंटीजर डेटा टाइप का होगा, लेकिन पॉइंटर यदि नोड डेटा वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, नोड को पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंटर क्या होगा, नोड डेटा टाइप का होगा। तो नोड ये डेटा टाइप हमने बनाया हुआ है, ओके, इट्स अ डिराइव्ड डेटा टाइप, ओके, ये बिल्ट इन नहीं है, सिस्टम डिफाइंड नहीं है, ये आपने बनाया, प्रोग्रामर ने बनाया। और ये नोड किससे बना, तो स्ट्रक्चर से बना, तो स्ट्रक्ट नोड। तो ये नेक्स्ट पॉइंटर किस डेटा टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप का है। और आपको ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड की डेफिनेशन के अंदर ही हम पॉइंटर दे रहे हैं, वो भी उसी डेटा टाइप का है, तो हम उसे बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ तक तो क्लियर होगा, हमने बार बार इसके बारे में देखा भी है। और स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, सेमीकोलन देते हैं। इज इट क्लियर चिन्मय? यस, अप टू दिस पार्ट इज इट क्लियर? सबा इज इट क्लियर? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। यस सर, ठीक है, हमने ये बार बार देखा है, फिर भी आपको कर्बो सी पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उस जो लिंक लिस्ट होगी, तो लिंक लिस्ट का तो हेड होना ही चाहिए हमारा, तो हम हेड की डेफिनेशन को बना के ले रहे हैं। तो हेड कैसे बनाएंगे हम, ओके, स्ट्रक्ट से ही बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड मतलब पॉइंटर हेड। तो हेड क्या होगा, पॉइंट करने वाला होगा, कहां पर, स्टार्टिंग वाले नोड पर। तो स्टार्टिंग वाले नोड पर पॉइंट करने के लिए हमने एक हेड पॉइंटर क्रिएट किया है, और उस हेड पॉइंटर का डेटा टाइप अगेन कैसे है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। यदि हमें इंटीजर पॉइंटर लगता है तो हम आईएनटी नोड आईएनटी हेड देते, आईएनटी स्टार हेड देते। यदि हमें फ्लोट पॉइंटर लगता तो फ्लोट स्टार हेड देते, लेकिन हमें कौन सा पॉइंटर लगने वाला है, स्ट्रक्चर टाइप का, नोड टाइप का पॉइंटर लगने वाला है, इसके लिए हम स्ट्रक्ट नोड देते, ठीक है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन को देखा है, और मेन फंक्शन के हम कुछ चीजें कर रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करके लिए है एम एंड सी एच, ये बाद में देखते हैं इसका मतलब क्या है और यूज क्या है एक्चुअली। उसके बाद क्लियर सी एल आर एस सी आर है, मतलब क्लियर स्क्रीन के लिए। तो इसके बाद हमारी एक डू व्हाइल लूप है, ठीक है। ये डू व्हाइल लूप का मतलब और यूज क्या है हम देखेंगे, वो शॉर्टली देखेंगे इसे। तो हम क्या कर रहे हैं, डू लूप के अंदर आते हैं, क्या कर रहे हैं कि हम चॉइस एंटर करने के लिए बोलते हैं, ओके, वन फॉर इंसर्ट बिगिनिंग, टू फॉर डिस्प्ले, एंड थ्री फॉर इंसर्ट एट द एंड। आपको लगता है कि आपको इंसर्ट इन द मिडल चाहिए, ओके, यदि आपको लग रहा है कि इंसर्ट इन द मिडल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से उसे चॉइस दे सकते हो, फोर दे सकते हो, इंसर्ट इन द मिडल, उस तरीके से आप चॉइस में मॉडिफाई भी कर सकते हो, ज्यादा चॉइस भी लेके आ सकते हो, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कौन से चॉइस आपको देने हैं, ओके, इट इज नॉट कंपलसरी दैट यू हैव टू गिव ओनली थ्री चॉइस, ओके, इट इज अप टू यू, यू कैन एड सम मोर चॉइसेस आल्सो, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐड नहीं होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हो इस लिस्ट को एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी तो हम केवल तीन चॉइस के लिए देखेंगे। स्कैन ऐप से आपने क्या किया, जो भी चॉइस एंटर करके लिया है वो चॉइस हमने इनपुट करके लिया। यदि वन लिया, उसने वन दिया है यूजर ने, तो बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, टू दिया है तो डिस्प्ले करना है, थ्री दिया है तो इंसर्ट एट द एंड करना है, ठीक है। इसलिए सी एच वेरिएबल हमने डिक्लेयर करके लिया, जो कौन सा है, इंटीजर डेटा टाइप का बनाया हुआ है। तो आपको सी एच का मतलब समझा। बाद में सी एच के ऊपर ये डिपेंडेंट है कौन सा चॉइस चाहिए, इसके लिए हमने स्विच केस लिखी है। तो केस वन में क्या करेंगे हम, बिगिनिंग में इंसर्ट करेंगे, केस टू में डिस्प्ले करेंगे, केस थ्री में एंड में इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, केस वन के अंदर इंसर्ट बिग फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हमने ऊपर डिक्लेयर करके लिया था। आप देखोगे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर फंक्शन को केवल डिक्लेयर करके लिया है। डिक्लेयर करना और डेफिनेशन देना, उसमें बहुत अंतर है। डिक्लेयर करना मतलब फंक्शन का डेटा टाइप क्या, सॉरी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन को कोई पैरामीटर्स आने वाले हैं क्या, ये बताना मतलब फंक्शन डिक्लेयर करके लेना। ये तो पहली, ये सारी चीजें सेमिस्टर टू की है, मुझे अभी नहीं बतानी चाहिए आपको, ठीक है। और फंक्शन डेफिनेशन का मतलब क्या है, फंक्शन एग्जैक्टली क्या काम करता है, ये कर बताना मतलब फंक्शन डेफिनेशन देना। आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ।
कोई नया एम्प्लॉय यदि आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है तो आप बताते हो कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी क्या है, ओके डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये सारी चीजें मतलब उस एम्प्लॉय को आप डिक्लेयर कर रहे हो। बाद में आप 2 दिन बाद 8 दिन बाद आप बताओ कि उसका रोल क्या है, मतलब वो क्या काम करेगा आपकी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड एज अ डेफिनेशन ऑफ दैट एम्प्लॉय। सो दो चीजें होती है, फंक्शन डिक्लेरेशन अलग चीज है, फंक्शन डेफिनेशन कुछ अलग चीज है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंक्शन तो ऊपर हमने डिक्लेयर करके रखा था, यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमने इंसर्ट बिग नाम के फंक्शन, इंसर्ट बीजी नाम के फंक्शन को कॉल किया। और आपको पता है हर एक केस होने के बाद वहां पर ब्रेक करना जरूरी है स्विच के अंदर, ओके इट इज मैंडेटरी थिंग, क्योंकि अदरवाइज क्या करता है, केस वन भी एग्जीक्यूट कर लेता है, केस टू भी बाद में एग्जीक्यूट करता है, इसलिए ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस है उसकी, हम इसलिए हमने हर एक केस के बाद उसे ब्रेक किया है। केस टू में डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे हम, ओके केस थ्री में हम एंडिंग का फंक्शन कॉल करेंगे आपके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपने वैसे चॉइस दी है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्विच केस को कंप्लीट कर रहे हैं, ओके उसके बाद हमने और एक बार हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिया है, ये किसके लिए, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, मतलब इनिशियली यूजर क्या करेगा कि बिगिनिंग में एक नोड को इंसर्ट किया यूजर ने, बाद में यूजर चाहता है कि मैंने एंडिंग में नोड को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यूजर अभी तक यूजर के ऑपरेशन खत्म नहीं हुए, कि यूजर बार बार कुछ ऑपरेशन करना चाहता है, पहले स्टार्टिंग में वो चाहता है कि बिगिनिंग में एक नोड को इंसर्ट किया जाए, बाद में चाहता है कि मुझे एंडिंग में एक नोड को इंसर्ट करना है, बाद में चाहता है कि मुझे फिर से एक बार एंडिंग में नोड इंसर्ट करना है, बाद में चाहता है कि मुझे ये सारे नोड्स को डिस्प्ले करके लेना है। तो यूजर की चॉइस है ना, यूजर जितने बार चाहे उतने मर्जी वो कर सकता है, बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकता है, एंडिंग में इंसर्ट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, मिडल में भी बाद में इंसर्ट कर सकता है, वो भी चॉइस हमें देना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यूजर को बार बार कुछ एक्टिविटीज करनी होती है, तो हमें यूजर को पूछना पड़ेगा डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, 1 for yes 2 for no, ओके तो स्कैनएफ करके हम ये वैल्यू लेंगे। इसके लिए हमने एम वेरिएबल को भी डिक्लेयर करके दिया है जो इंटीजर है। यदि यूजर ने 1 दिया है तो हम क्या करेंगे, उसी लूप में रहेंगे, बार बार ये ऑपरेशन करते रहेंगे। यदि यूजर ने 1 के अलावा कोई भी वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे, 2 दिया है और कोई वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या है, यूजर को कंटिन्यू नहीं करना है, हम बाहर निकल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर व्हाइल स्टेटमेंट जो है हमारा, ओके डू व्हाइल है ना, तो व्हाइल स्टेटमेंट में हमने क्या दिया है, m == 1, तो जब तक m की वैल्यू 1 है तब तक हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन को रिपीट करेंगे, ठीक है, बार बार स्टूडेंट के सॉरी यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे ऑपरेशन करवा के देंगे, ठीक है। और व्हाइल लूप, व्हाइल के बाद हमें सेमीकोलन देना पड़ता है क्योंकि हम डू व्हाइल में काम कर रहे हैं, ओके नॉर्मल व्हाइल में काम करते हैं तो सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती है, वहां पर ब्रेसेस आते हैं, लेकिन यदि हम डू व्हाइल में काम करते हैं तो व्हाइल कंडीशन के बाद हमें सेमीकोलन देना होता है। सो यू नो द सिंटैक्स, ये सारी चीजें सेमेस्टर 2 की है, नया कुछ सीख नहीं रहे हैं हम, केवल इम्प्लीमेंटेशन हम सेमेस्टर 3 का कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट सी एच दिया है हमने, बाद में रिटर्न 0 किया है क्योंकि हमने मेन फंक्शन जो दिखा उसका रिटर्न टाइप क्या है, INT है, आप देखा देख पाओगे इसका रिटर्न टाइप INT है, हेंस वी आर रिटर्निंग 0। इज इट क्लियर अप टू दिस पार्ट, यस सबा, इज इट क्लियर चिन्मय, बताओ, यस इज इट क्लियर चिन्मय सबा एनी अदर स्टूडेंट, यस अभिजीत, बोलिए कोई भी एक स्टूडेंट बोलिए, रिनाली इज इट क्लियर, आप एक काम कीजिएगा मुझे चैट में बताइएगा तो भी काफी है, बहुत ही डिले आता है ये, ठीक है ओके, आप चैट में बताइएगा मुझे, अभिजीत रिनाली यू कैन मैसेज मी, इज इट क्लियर अप टू दिस पार्ट व्हाट वी हैव डिस्कस मेन फंक्शन, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोला सर, हाँ बोला,
हाँ बोला ना, बोल. हाँ हाँ चालेल 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 चालेल. होय 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 बर. नाही 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 असं नाही सर. चालेल चालेल. हां चालेल चालेल. हां बरोबर. ओके सो आय थिंक इट इज क्लिअर. ओके बिकॉज आय गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम नंबर ऑफ स्टुडंट्स. ठीक आहे. सो so I start sharing again. So हमने main function तो अभी देखा है. हम क्या करेंगे अब वन बाय वन केस की तरफ जाएंगे. तो पहले तो केस है हमारे इंसर्ट एट द बिगिनिंग. बिगिनिंग में हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिग फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं. तो मेन फंक्शन कहाँ कंट्रोल पास करेगा? इंसर्ट बिग के पास कंट्रोल पास करेगा. This is our insert big function. This is our insert big function. ठीक है. So we will main ने क्या किया कि insert big के पास अपना control pass on कर दिया. अब insert big execute होने वाला है. ठीक है. तो हमने कुछ variable को declare करके लिया है. ये बाद में देखेंगे क्या जरूरत है उसकी, क्योंकि पहले देख के कुछ फायदा नहीं है इसका. ओके. इसके बाद हमने एक ptr variable और temp variable को भी declare करके दिया है. So these are two pointer variables. Temp and ptr are the pointer variables. एंड ये पॉइंटर वेरिएबल तो है, लेकिन किस डेटा टाइप की है? तो स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप की है. ओके. तो नोड के ही हम पॉइंटर बना रहे हैं. ठीक है. और इसका जरूरत इसकी जरूरत क्या है हम बाद में देखते हैं. ठीक है. तो इंसर्ट बिग में क्या होगा कि नया वैल्यू क्या करेगा, क्लाइंट हमें देगा, यूजर हमें एक नया वैल्यू देगा, डेटा एलिमेंट देगा. उस डेटा एलिमेंट को हमें लिंक लिस्ट के अंदर रखना है. तो हम केवल डेटा एलिमेंट को नहीं रख सकते, डेटा एलिमेंट को रखते हैं उसी समय हमें उसकी लिंक भी देनी पड़ती है. ओके. उसके आगे कौन सा नोड होगा ये भी बताना पड़ता है. मतलब हमें डेटा एलिमेंट को जब इंसर्ट करना होता है तो हमें हमें क्या करना पड़ता है, दो चीजों को लेना पड़ता है. एक डेटा भी लेना पड़ता है और उसका एड्रेस कहाँ जाएगा, किसे पॉइंट करेगा, ये भी बताना पड़ता है. सो वी आर इंसर्टिंग अ डेटा एलिमेंट्स इनडायरेक्टली. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंसर्टिंग अ नोड. ओके. तो लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, नए नोड को इंसर्ट करते हैं. आपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए इसके ऊपर एमएसबीटी पेपर के, तो आपको पता है आप नए नोड को इंसर्ट कर रहे हो. तो केवल क्या है कि आप बिगिनिंग में नए नोड को इंसर्ट कर रहे हो. इंसर्ट एंड में क्या होगा, आप एंडिंग में इंसर्ट करोगे. तो अभी आप यदि नोड को इंसर्ट कर रहे हो तो नोड के लिए दो चीजें लगेंगी, डेटा भी लगेगा और उसके लिए एड्रेस भी लगेगा. तो डेटा के लिए कुछ बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी, वैसे ही एड्रेस के लिए भी कुछ बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी. लेकिन एग्जैक्टली आपको डेटा के लिए कितनी मेमोरी लगेगी और आपके एड्रेस के लिए कितनी मेमोरी लगेगी ये तो पता नहीं होगा. तो आपका जो डेटा है वो कैसा है, इंटीजर वेरिएबल है. तो उसके इंटीजर के लिए कितनी बाइट्स लगती है तो सी में पता है, लेकिन आपका जो पॉइंटर है, एड्रेस का पॉइंटर है, वो तो स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप का है. तो उसे क्यों को कितनी मेमोरी लगेगी ये तो पता नहीं चलेगा. इसके लिए एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैलॉक फंक्शन. तो मैलॉक का काम क्या है कि मेमोरी को अलोकेट करके देना, कि आपके लिए मेमोरी अलोकेट करके देगा. लेकिन ये मेमोरी किसके लिए अलोकेट करके देगा, मैलॉक देखिएगा आप. ओके. मेमोरी इसे एलोकेट करके देगा, इस पार्ट को एलोकेट करके देगा. तो हमारे पास और एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड द साइज ऑफ फंक्शन. तो साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है, साइज ऑफ फंक्शन उसे जिस डेटा टाइप को दिया जाता है उसके लिए कितनी साइज लगेगी ये बताता है. यदि हम साइज ऑफ आईएनटी लिखेंगे सी के अंदर तो हमें देगा 2 bytes और 4 bytes जो भी है. साइज ऑफ फ्लोट लिखेंगे तो लेगा हमें 4 bytes. तो हर एक डेटा टाइप के लिए कितनी मेमोरी लगेगी ये किससे पता चलता है, हमें साइज ऑफ साइज ऑफ फंक्शन से पता चलता है. तो हम क्या कर रहे हैं अब, साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके स्ट्रक्ट नोड ये जो डेटा टाइप हमने बनाया हुआ है उस डेटा टाइप के लिए कितनी साइज लगेगी, कितने बाइट्स लगेंगे ये तो पहले पता करके ले रहे हैं. 10 bytes लगेंगे या 14 bytes लगेंगे या 20 bytes लगेंगे जो भी है. ओके. वो सिस्टम हमें बताएगी, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है. सिस्टम हमें बताने वाली है उतने बाइट्स हमें पता चलेंगे, 10 bytes, 20 bytes, 15 bytes, whatever it is. और जितने भी बाइट्स हमें लगेंगे उस नोड को बनाने के लिए, उतने बाइट्स के लिए हम क्या करेंगे, मेमोरी अलोकेशन करेंगे. मेमोरी अलोकेशन करने के लिए हमारा मैलॉक फंक्शन है. तो मैलॉक के लिए ये क्या है, साइज ऑफ क्या है, पैरामीटर है. तो ये पूरा जो पार्ट है यहाँ पर दिया हुआ, दिस इज अ पैरामीटर
ओके देखिएगा, आप मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज अ पैरामीटर ऑफ अ मेलॉक फंक्शन। यदि आपने लिखा मेलॉक ब्रैकेट में 14, तो 14 बाइट्स की मेमोरी अलोकेट होगी, लेकिन आपको पता नहीं है ना 14 बाइट्स लगेंगे या 20 बाइट्स लगेंगे। इसके लिए क्या कर रहे हो, मेलॉक के ब्रैकेट में साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो इस डेटा टाइप के लिए जितने भी मेमोरी लगेगी उतनी मेमोरी मुझे अलोकेट करके दीजिएगा, ठीक है। ये मेमोरी अलोकेट होने के बाद, ओके मेमोरी अलोकेट होगी लेकिन उसके पॉइंटर क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मेमोरी किसे मिलनी चाहिए, एक पॉइंटर वेरिएबल को मिलनी चाहिए, पीटीआर को मिलनी चाहिए, ओके। और उस पीटीआर का डेटा टाइप जो है वो किसका है, एक पॉइंटर का डेटा टाइप है। तो हम क्या करते हैं, जो भी मेमोरी हमें अलोकेट होगी वो पॉइंटर के लिए हमें देनी है, इसके लिए हम यहाँ पर टाइप कास्ट करते हैं। आपको पता है यदि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करवा के देना है तो आप उसे टाइप कास्ट करते हो। तो जो भी मेमोरी मिलेगी वो क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी, उसे आपको एड्रेस की वैल्यू में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, टाइप कास्ट कर रहे हो। तो जो हमने हाईलाइट किया है अभी वो टाइप कास्ट करने के लिए है। यदि आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू आई है और आपको उसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हो, टाइप कास्ट करते हो। वैसे ही आपके पास अब क्या आई है, मेमोरी आई है, कुछ बाइट्स की मेमोरी आई है, उसे आपको एड्रेस में कन्वर्ट करवा के देना है और पॉइंटर वेरिएबल में कन्वर्ट करवा के देना है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके टाइप कास्ट कर रहे हो, ठीक है। और टाइप कास्ट करके उसे पीटीआर को दे रहे हो। तो पीटीआर के पास क्या है कि पीटीआर के पास अभी अभी ये ताकत है कि पीटीआर दो चीजों को रख सकता है, पीटीआर डेटा को भी रख सकता है और पीटीआर अभी एड्रेस को भी रख सकता है। तो पीटीआर मतलब एक नोड बन गया अब, क्योंकि हमने उसे मेमोरी अलोकेट करके दी है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। एक बार ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है लिंक लिस्ट के अंदर, okay, जो बाकी एक्सपेरिमेंट में नहीं मिलेगा, सिंगल लिंक लिस्ट में या सर्कुलर लिंक लिस्ट में। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत लोग इसे नहीं पढ़ पाते, पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें है, साइज ऑफ को भी यूज करना है, मेलॉक को भी यूज करना है और टाइप कास्ट भी करना है। यस इज इट क्लियर रीनाली, यस विजित, ठीक है। तो हमने पीटीआर को बना के लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एंटर नोड डेटा एलिमेंट, जो भी नया वैल्यू आपको इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू आप क्या कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, स्कैनएफ से हम वैल्यू को इनपुट करके ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हमने एन को भी डिक्लेयर करके लिया, वो इंटीजर वैल्यू है, तो INT N डिक्लेयर करके लिया। अब क्या कर रहे हैं, पीटीआर के अंदर तो दोनों चीजें रख सकते हैं, हम डेटा भी रख सकते हैं और एड्रेस भी रख सकते हैं। तो पीटीआर को हमने डेटा दे दिया, पीटीआर का डेटा, पीटीआर पॉइंट्स टू डेटा, क्योंकि ये पॉइंटर है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर नोड है लेकिन ये पॉइंटर भी है। तो पीटीआर पॉइंट्स टू डेटा, तो पीटीआर के अंदर हमने डेटा रखा, जो भी डेटा यूजर ने एंटर किया एन के अंदर वो हमने डेटा में रख दिया। तो डेटा का तो पार्ट खत्म हो गया, अब केवल क्या बाकी है, एड्रेस बाकी है, एड्रेस कौन सा देना है ये बाकी है। अब नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं कि हेड इक्वल टू नल, हेड इक्वल टू नल का मतलब ये है कि सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट अभी तक बनी नहीं है। हेड नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब अभी तक लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं है, आपको अभी लिंक लिस्ट बनानी है। जब आप पहली वैल्यू लेके आओगे तो लिंक लिस्ट तो बनेगी ना, तो आप पहले चेक कर रहे हो हेड इक्वल टू नल। यदि हेड इक्वल टू नल है तो आप जो भी वैल्यू दे रहे हो वही वैल्यू लिंक लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट नोड है आपका। इनडायरेक्टली आप जो पीटीआर बनाओगे यही आपका पीटीआर फर्स्ट नोड बनेगा। तो आप क्या करोगे, इफ हेड इक्वल टू नल होगा तो हेड इक्वल टू पीटीआर, आपका हेड मतलब पीटीआर है और पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, ओके सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या बोलता है कि लिंक लिस्ट का लास्ट नोड ओके क्या करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। लिंक लिस्ट का लास्ट नोड नल को नहीं पॉइंट करेगा, लिंक लिस्ट का लास्ट नोड क्या करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। यदि हम नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम कहते थे कि लास्ट नोड इज पॉइंटिंग टू अ नल वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब हम सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो हम बताते हैं लास्ट नोड इज पॉइंटिंग टू अ हेड वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू, नल को नहीं पॉइंट करता है, हेड को ही पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि एक ही नोड है ना, तो हेड तो बन गया पीटीआर, ठीक है, लेकिन पीटीआर किसे पॉइंट करेगा, हेड को ही पॉइंट करेगा अभी, okay? क्योंकि पीटीआर फिर से कहां पर आएगा, हेड के पास ही आएगा। ठीक है, तो पीटीआर कहां पर आएगा, हेड के पास ही आएगा, ठीक है। सो यहां पर क्या किया है, देखो हेड इक्वल टू पीटीआर एंड पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड, ठीक है। तो एक ही नोड है, तो एक जो जो नोड बनाया हुआ है वो हेड बन गया और उसका जो एड्रेस है वो खुद को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि ओनली वन नोड इज अवेलेबल,
ठीक है. एल्स, एल्स मतलब क्या है, ऑलरेडी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नोड अवेलेबल है, मान लो कि लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू 10 है. अब नया नोड आपको लेके आना है लिंक लिस्ट के अंदर और वो बिगिनिंग में इंसर्ट करना है. लेट अस सपोज नोड जिसकी वैल्यू 12 है, उसे नया नए नोड को आपको लिंक लिस्ट के अंदर आना है. तो हेड का वैल्यू नल नहीं है, हेड का वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब हेड कोई तो एक नोड है जिसे पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है. तो आप एल्स पार्ट में जाओगे, एल्स पार्ट में जाओगे आप क्या करोगे, आप कि टेम्प इक्वल टू हेड करोगे. ओके, तो एक टेम्पररी वेरिएबल जो है हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर आपने हेड की वैल्यू ले ली. और आप क्या चेक करोगे, टेम्प का नेक्स्ट जब तक हेड नहीं है तब तक. अब मानो कि आपके लिंक लिस्ट में ऑलरेडी 3 नोड अवेलेबल थे, ओके, नोड ए, नोड बी एंड नोड सी था. नो, आपके सामने अब ये बनना चाहिए पिक्चर, अदरवाइज आप नोटबुक में बना भी सकते हो, आपको पता है ये प्रैक्टिस हुई है आपको. तो आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऑलरेडी 3 नोड्स है ए बी सी, आप चाहिए तो ड्रॉ करके लीजिएगा. नोड ए नोड बी को पॉइंट कर रहा है, नोड बी नोड सी को पॉइंट कर रहा है और नोड सी अगेन नोड ए को पॉइंट कर रहा है और ए हमारा हेड नोड है, ठीक है. इस तरीके से आपके सामने सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है. और अब आपको नए नोड को, नोड डी को इंसर्ट करना है एट द बिगिनिंग. तो आप क्या करोगे, नए नोड को जब इंसर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोड सी की जो लिंक है जो अभी कहाँ पॉइंट कर रही है, ए को पॉइंट कर रही है, क्योंकि करंटली ए हमारा हेड नोड है और स्टार्टिंग नोड है, वो आप मॉडिफाई होनी चाहिए. नोड सी की जो लिंक है वो कहाँ आनी चाहिए, नोड डी के पास आनी चाहिए. नोड सी के लिंक ने नोड डी को पॉइंट करना चाहिए और नोड डी की जो लिंक है उसने ए को पॉइंट करना चाहिए, तब हमारा डी क्या बनेगा, हेड नोड बनेगा और स्टार्टिंग नोड बनेगा और उस समय हमारा इंसर्शन एट द बिगिनिंग सक्सेसफुल होगा. मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये चीज, करंटली आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 3 नोड्स है, नोड ए नोड बी नोड सी. तो नोड ए आपका हेड नोड है तो स्टार्टिंग नोड है, नोड ए नोड बी को पॉइंट कर रहा है, नोड बी नोड सी को पॉइंट कर रहा है और नोड सी फिर से बैक करके नोड ए को पॉइंट कर रहा है क्योंकि इट इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. अब आपको नए नोड के लेके नए नोड को यहाँ पर लेके आना है. लेट अस सपोज नोड डी को आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको कुछ, ठीक है. तो पहले तो क्या होगा, नोड सी की जो लिंक है वो नोड सी की लिंक अभी तो ए को पॉइंट कर रही है, उसने मॉडिफाई होके कहाँ पॉइंट करना चाहिए, नोड डी को पॉइंट करना चाहिए. नोड डी की जो लिंक है उसने ए को पॉइंट करना चाहिए और डी आपका क्या होना चाहिए, हेड नोड होना चाहिए और स्टार्टिंग नोड होना चाहिए. ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग होगा. तो ये होने के लिए हमें तो पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके लिंक लिस्ट में ओके ऐसा कौन सा नोड है जो लास्ट नोड है. तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में कौन सा नोड है जो लास्ट नोड है, वो पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी नोड की लिंक हेड को पॉइंट कर रही है. जिस नोड की लिंक हेड को पॉइंट करती है वो नोड सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड होता है. और सिंगली लिंक लिस्ट में क्या रूल है हमारा, जिस नोड की लिंक नल को पॉइंट करती है वो नोड क्या होता है, लास्ट नोड होता है. सर्कुलर लिंक लिस्ट में थोड़ा मॉडिफिकेशन है. सो हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, वो टेम्पररी वेरिएबल क्या करेगा, हेड को हमने सेट करके लिया है, मतलब स्टार्टिंग नोड को सेट करके लिया है. अब हम चेक करते जा रहे हैं, हर एक नोड को चेक करेंगे ओके वन बाय वन और सिक्वेंशियली जाएंगे. टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड. ओके, यदि टेम्प का नेक्स्ट हेड को पॉइंट नहीं करता है ओके, तो हम क्या करेंगे, और टेम का नेक्स्ट हेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेम को हम अपडेट करेंगे, आगे लेके जाएंगे. तो पहले पूछेंगे नोड ए को, टेम अब क्या बनेगा, नोड ए बनेगा. टेम्प इक्वल टू हेड किया ना, तो इनिशियली एबीसी 3 नोड्स है हमारे पास, तो टेम बनेगा हमारा ए. तो ए का नेक्स्ट पॉइंट करता है क्या हेड को, नहीं, ए का नेक्स्ट बी को पॉइंट करता है. तो टेम को हमने मॉडिफाई किया और क्या किया, टेम इक्वल टू टेम का नेक्स्ट, मतलब क्या, अब हमारा टेम क्या बना, बी बना. फिर से क्वेश्चन पूछा, बी का नेक्स्ट पॉइंट करता है क्या हेड को, नहीं करता है, तो बी को फिर से, सॉरी, टेम को फिर से मॉडिफाई किया, क्या बनाया, टेम को सी बनाया. ओके, बी के नेक्स्ट से हमने सी के पास गए, सी बनाया. अब पूछा कि सी का नेक्स्ट पॉइंट करता है क्या, ओके, हेड को, यस, सी का नेक्स्ट हेड को पॉइंट करता है. जब ये पॉइंट करेगा तब हम व्हाइल लूप के बाहर आएंगे और बाहर आके हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे. नया नोड कौन सा है, नोड डी है, वो कहाँ पर है, पीटीआर के पास है. तो हम क्या करेंगे, अब मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे. पीटीआर का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा, मतलब पीटीआर का नेक्स्ट अब ए को पॉइंट करेगा. हेड मतलब क्या है, हमारा ए है, ठीक है ना, ओके, तो ए को पॉइंट करेगा.
टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प कहाँ पर आया है? अब सी के पास आया था, मॉडिफाई करते करते हम टेम्प को सी के पास लेके गए, तो सी का जो नेक्स्ट है मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या कहाँ पॉइंट करेगा? पीटीआर को, मतलब नोड डी को पॉइंट करेगा, यही तो चाहिए हमें। सी ने की सी अभी कहाँ पॉइंट कर रहा था? ए को पॉइंट कर रहा था, सी को हमने चेंज करके कहाँ पॉइंट करने के लिए बोला? अब डी को पॉइंट कीजिएगा। और ये दोनों चीज करने के बाद डी का नेक्स्ट जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है अभी, क्योंकि पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड किया, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, टेम का नेक्स्ट मतलब सी का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है डी के पास। तो ये दोनों मॉडिफिकेशन करने के बाद अब क्या करेंगे हम, जो हमारा डी है उसे हम हेड बनाएंगे, सो हेड इक्वल टू पीटीआर, ओके। जो हेड इक्वल टू पीटीआर, क्योंकि पीटीआर क्या है, हमारा डी है ना, नया नोड है, ओके, हेड इक्वल टू पीटीआर। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमारा इंसर्शन एट द बिगिनिंग होगा, ओके। इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक ओनली 3 minutes are remaining, so I will start a new meeting, okay, for the next 2 functions, okay. So I want to check whether this is clear to you or not. You can join that meeting also. Yes? Yes, Manohar, Shreya, from your side. Is it clear? Yes, Sabha, clear hai kya? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सच में क्लियर हुआ है ना, क्यों ऐसे बता रहे हो? नहीं, सच में क्लियर हो गया। ओके, आना चाहिए हाँ, पॉइंटर के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है जिसमें सी प्रोग्रामिंग को ज्यादा ग्लैमर आया है, ओके, 50 साल हो रहे इस साल सी को, ओके, इन्वेट करके। और अभी सी को ज्यादा ग्लैमर आया है क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन में सी का बहुत यूज हो रहा है, तो ये आना ही चाहिए, क्योंकि आगे वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा वगैरह उसमें पॉइंटर की कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, सी में पॉइंटर के ऊपर काम किया जाता है। यू शुड नो इट एंड यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑन इट, ये सारा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे मीटिंग को एंड करता हूँ, अगले मीटिंग में हम देखेंगे रिमेनिंग 2 फंक्शंस और हमें इसे एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।